अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, दुनिया भर में जहां कहीं भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स मौजूद हैं, ऐसा कोई शख्स ही नहीं जिसके पोर्टफोलियो में शिबा इनू कॉइन मौजूद ना हो। तो ज़हन में रखिएगा, हमेशा दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर हैं वो किसी भी कॉइन में जब एंट्री लेने लगते हैं तो उसके बर्निंग प्रोसीजर के ऊपर नजरसानी करके ही उसके अंदर एंट्री लेते हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी की कंप्लीटली सूझबूझ है। एग्जैक्टली यही प्रोसीजर शिबा इनू में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और साथ साथ ये मीम कॉइन होने में वाहिद ऐसा कॉइन है जिसने दुनिया में अपनी पोजीशन बहुत ही जल्दी बरकरार रख ली। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ सोच डिफरेंट पाई जाती है कि ज़्यादातर इसे बाय कर लेने के बाद लोग रातों रात अमीर होने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन मोस्टली हम आपको बताते हैं असल खबर। तो दोस्तों, सारी दुनिया को इंतज़ार था कि शिबा इनू का बर्न होगा और इसकी प्राइस में हमें इजाफा देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। मैंने आपको संडे की वीडियो में अपडेट दी थी कि मैं नहीं समझता कि जैसे डोज कॉइन के जो ओनर हैं एलन मस्क, वो हमेशा डोज कॉइन को सपोर्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, पहले उसकी कीमत को गिराते हैं फिर ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन आज भी इस वक्त भी मैं शिबा इनू को डोज कॉइन से कई गुना ज़्यादा बेहतर कॉइन समझता हूं, क्योंकि इसकी फ्लैक्चुएशन को अगर हम फॉलो करें तो पिछले 15 दिन पहले ये 4020 पे खड़ा था और जिन भी हजरात ने मुझे फॉलो करके 4020 से बाइंग की तो उन्होंने 4031 पर भी अगर आज सेल करते हैं वो, तो वो लोग सब इस वक्त प्रॉफिट में हैं। बर्निंग का प्रोसीजर जारी हो चुका है, डे बाय डे जो इस वक्त शिबा कॉइन्स हैं वो मुसलसल बर्न हो रहे हैं। और मैं आपसे एक न्यूज़ भी शेयर करने वाला हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद एक मरतबा फिर से शिबा इनू कॉइन्स की बिलियंस ऑफ डॉलर में वेल्स ने बाय कर ली है। पहले मैं आप चाहता हूं कि मैं तस्करा कर लूँ इसके ऊपर आपके साथ तफसीलन और फिर हम आगे बढ़ें वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जहन में रखिएगा कि आज हमें इस वक्त 4031 बल्कि 4032 पे भी जो इसकी कीमत अभी कुछ देर पहले हमें देखने को मिली है, तो लिहाजा शिबा इनू ने फ्लक्चुएशन तो करनी शुरू कर दी है। 4040 तक का इसका हाई लगाने की अभी मार्केट में प्रेडिक्शन अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपको अपनी संडे की वीडियो में कंप्लीटली एक ट्यूटोरियल बनाकर दिया था। अगर आपने वीडियो को एज इट इज़ विदाउट फॉरवर्ड किए देखा था तो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली ऐसा होता है कि जितने भी बर्निंग प्रोसीजर की न्यूज़ होती हैं या खबरें होती हैं या उनको उठाने वाले उनके जो ओनर होते हैं वो अक्सर ऐसी चीज़ें करके मार्केट से पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन नो डाउट डोज कॉइन की तरह शिबा इनू ने अपने व्यूवर्स के साथ ऐसा कभी भी नहीं होने दिया। जो इनके ओनर हैं वो कभी भी अपने व्यूवर्स के साथ या अपने इन्वेस्टर के साथ ऐसा नहीं होने देते और इनकी खबरें किसी हद तक मार्केट में सच्ची होती हैं। अब मोस्टली यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जब मैंने आपसे वीडियो शेयर की संडे के दिन तो इसकी कीमत क्या थी? 4029 पे इसकी कीमत उस वक्त खड़ी थी और आज ये 24 और की अगर हम बात करें तो 4031.52 का हाई लगा चुकी है। आप अभी भी घाटे में नहीं हैं, प्राइस इसके मुसलसल भर रहे हैं। और यहाँ पर एक सोच पैदा होती है कि लोग समझते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स कहते हैं कि जी हम शिबा इनू का क्या करें क्या करें क्या करें, आप सेल कर दें। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि आप सेल कर दें, और इसको सेल करने के बाद क्या? आप सोचें कि इतना सस्ता मीम कॉइन अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि शिबा इनू से ही बहुत ज़्यादा मेरे व्यूवर्स डेली की बुनियाद पर अर्न करते हैं, वीकली की बुनियाद पर अर्न करते हैं। लेकिन अगर आपने ही ये सोच के रखा हुआ है कि नहीं शिबा इनू मुझे एक रात में ही सब कुछ दे देगा तो ये आपकी गलती है। आज भी ये माइंडसेट बिल्कुल करेक्ट है कि अगले 5 साल के लिए शिबा इनू इज़ परफेक्ट कॉइन, ठीक है, 5 साल पहले के लिए। मोस्टली ऐसा होता है कि बाइंग के टाइम तमाम दोस्त ये समझते हैं कि मैं इसे 5 साल के लिए रखूंगा, लेकिन बाय करते ही वो जब डिफरेंट यूट्यूबर्स की खबरें सुनते हैं कि शिबा इनू आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, ये कर देगा वो कर देगा, तो वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये वाहिद कॉइन है मीम कॉइन की दुनिया में और PTC के बाद, सोलाना वगैरह के बाद कुछ 100 स्टेबल कॉइन के अंदर इसका हमेशा नाम रहता है। रैंक इसका आज भी 14 है। मैं समझता हूं कि ये हर क्रिप्टो यूजर के वॉलेट में होना चाहिए और मैंने रिसेंटली अपनी जो वीडियो है उसका लिंक इसके साथ अटैच कर दिया है, आप देख लीजिएगा। मैंने आपको कभी भी $20 से ज़्यादा बाइंग का कभी भी आपको पोर्टफोलियो में इजाज़त नहीं दी, इसलिए कि जब तक आप इस काम को समझेंगे नहीं आप अर्न कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अभी भी
इसका बर्निंग का प्रोसीजर इसे कहाँ पे कहाँ लेके जा सकता है, पूरी पूरी इसके अंदर इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है कि ये कॉइन आपके वाकई ही में हालात बदल सकता है, जहन में रखिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो इसे सेल करें और जो आपका दिल करता है आप करें, जहन में रखिएगा। बात सिर्फ यकीन करने की होती है। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये भी पाई जाती है कि एक शख्स आपको मोस्टली एक गलत ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन जो है ऑफर करता है, क्लिक करें पैसा कमाएं ये करें वो करें और एंड पे कुछ नहीं निकलता। लेकिन यहां पर शिबा इनू आपको 100% प्रॉफिट दे रहा है। डिपेंड करता है कि आपने सारे काम छोड़ के सारी उम्मीदें शिबा इनू पे लगा दी हैं और आपने काम करना ही छोड़ दिया है। मार्केट में और भी कॉइन है और ये कॉइन सिर्फ आपको पोर्टफोलियो में रेस्पेक्टफुली अर्निंग देता है, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन को कोई रोकने वाला नहीं है तो इसमें शिबा इनू का कोई कसूर नहीं है। गलती आपकी है कि आपने इसमें $10 भी इन्वेस्ट किया तो आपको लगता है कि वो $10 $10,00,000 बन जाएंगे। ये एक आपकी मिसकंसेप्शन है। $100 आपके कल को $10,00,000 बन सकते हैं, लेकिन वो भी 5 साल का सदरकार चाहिए। ऐसा नहीं होता कि इसके बर्निंग प्रोसेस, क्योंकि जाहिर ही बात है जो आज आपको इतने ज्यादा जीरोस में मिल रहा है तो अंडरस्टूडली बात है उसकी सप्लाई कितनी ज्यादा होगी। तो दोस्तों सप्लाई को जेन में रखें, जब तक इसकी सप्लाई में कमी नहीं होती इसमें इसकी कीमत जैसे आप सोचते हैं वैसे नहीं होती। लेकिन एक बात जेन में रखिएगा, इसका 1-0 कभी भी कम हो सकता है। मैं आज भी आपको इस चीज की हमेशा मेरी ये वीडियो अपने पास सेव करके रखिएगा कि 2022 में इसका कभी भी 1-0 कम हो सकता है, इसे भूलिएगा मत। अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक बड़ी अहम न्यूज। न्यूज मैंने ओपन कर ली है, लेकिन न्यूज से भी पहले मैं आपको एक और न्यूज देना चाहता हूँ। वो ये कि $4.23 मिलियन की वेल्स ने एक मरतबा फिर से पिछले 24 घंटों में परचेजिंग कर ली है शिबा इनू क्वाइंस की। और जेन में रखिएगा, हमने ये नहीं देखना कि उन्होंने कितने की परचेजिंग की है, हमने ये देखना है कि हमने अपना प्रॉफिट लेकर शिबा इनू से कब एग्जिट लेना है और कब एंट्री लेनी है। तो दोस्तों अगर आपकी बाइंग है 4020 की, 4025 की, 4030 की, तो जैसे ही आपको शिबा इनू 4045-40 पे दिखाई देता है तो आपने सेल करके निकल जाना है मार्केट से। अब न्यूज में शेयर करता हूं कि द टॉप 1000 लार्ज वॉलेट इन्वेस्टर ऑन द बाइनांस स्मार्ट चेन हैव परचेज 140 बिलियन शिबा इनू टोकन्स। जहन में रखिएगा कि इसका मतलब यह है कि बाइनांस स्मार्ट चेन से कनेक्टेड लोगों ने $140 बिलियन के टोकन खरीदे हैं, यानी कि 1000 वॉलेट से बाइंग की गई है। और दूसरी चीज आपके मैं जहन में डालता चलूं कि 20 लाख इसके होल्डर्स थे जो इस वक्त 27 लाख तक जा चुके हैं, यानी कि पिछले 2 दिनों में 7 लाख होल्डर्स बढ़े हैं, जो इस चीज का इंडिकेट करते हैं कि शिबा इनू डू कैन एनीथिंग आफ्टर द लेटेस्ट परचेज। शिबा इनू इज द लार्जेस्ट आल्टकॉइन होल्डिंग फॉर द वेल्स ऑन द बाइनांस स्मार्ट चेन। डोज कॉइन प्राइस कंटिन्यू पोस्टिंग लॉसेस एंड शिबा इनू मेक्स अ कमबैक विद द स्पाइक एट डिमांड फ्रॉम वेल्स। तो दोस्तों डोज कॉइन की प्राइस मुसलसल गिर रही है और शिबा इनू की बढ़ रही है। उसकी रीजन ये है कि उसका इन्वेस्टर उसे छोड़ के फौरी तौर पे इस वक्त एंटर हो रहा है शिबा इनू कॉइन के अंदर। एनालिसिस आर बुलिश ऑन शिबा इनू रिकवरी, नथिंग द मीम कॉइंस शोइंग साइन ऑफ द स्ट्रेंथ एक्सेप्ट ऑफ शिबा इनू। तो दोस्तों इस वक्त शिबा इनू के सिवा आपके पास मीम कॉइन में बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये आपकी लॉटरी है। $20 इवन के अगर किसी के जेन में सवाल आता है कि वो $50 का भी इसे अपने अकाउंट में रखता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो का भी इस न्यूज का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाजत चाहता हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।